राहुल गांधी कैम्ब्रिज लेक्चर पर गरमाई सियासत, अनुराग ठाकुर ने बताया देश का अपमान। केंद्रीय मंत्री ने कहा दुनिया मोदी के साथ है लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं भारत विरोधी बातें। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लेक्चर में मोदी सरकार पर बरसे राहुल का, फोन टैपिंग हो रही है। राहुल गांधी ने कहा दलितों अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार, आलोचकों को धमकाया जा रहा है। लेक्चर में बोले राहुल भारत में मीडिया पर भी हो रहे हमले, न्यायपालिका पर हो गया है कब्जा। मेघालय में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा, रात में कुछ जगहों पर उपद्रव, तोड़फोड़। शैला और मैरांग इलाके में हुई हिंसा, यूडीपी समर्थकों ने हिंसा की, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत, मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं हासिल हुआ है। मेघालय में बीजेपी ने किया सांगमा पर का समर्थन, राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। नागालैंड में पहली बार महिला उम्मीदवार की जीत, दीमापुर में एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने एलजेपी उम्मीदवार को हराकर रचा इतिहास। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक के बेटे के घर छापेमारी, 6 करोड़ की नकदी बरामद। लोकायुक्त ने देर रात की छापेमारी, बीजेपी विधायक को पूछताछ का नोटिस। इससे पहले भी बीजेपी विधायक के घर पर मिली थी 40 लाख नकदी, ऑफिस से मिले थे 1,70,00,000 रुपए। लोकायुक्त की कार्रवाई पर बोले सीएम बोम्मई, हमने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को कहा था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया बीजेपी पर हमला, कहा करप्शन के मामले में अजेय है बीजेपी की 40% वाली सरकार। कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, गुरुद्वारे में शाह ने टेका मत्था। पुणे में ईडी ने छापेमारी की, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रेड। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या मामले पर बीजेपी ने नीतीश को घेरा, तमिलनाडु डीजीपी के बयान को बताया गलत। विधानसभा में सरकार का बयान, तमिलनाडु सरकार के संपर्क में है बिहार सरकार, जांच पड़ताल जारी। बीजेपी ने बिहार सरकार पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुआ है अत्याचार। रायसीना डायलॉग में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अध्यक्षता। क्वाड मीटिंग में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों ने लिया हिस्सा। क्वाड मीटिंग में इंडो पैसिफिक को लेकर चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति। आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा देश को लूट रही है सरकार, जनता को मूर्ख बनाने का आरोप। संजय सिंह का दावा, उनके पास है अहम सबूत, करेंगे बड़ा खुलासा। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों की जेल से रिहाई, कोर्ट ने किया दोष मुक्त। स्पेशल कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी को माना है दोषी, 3 की रिहाई। हाथरस कांड के आरोपियों की रिहाई के विरुद्ध में हाईकोर्ट जाएगा पीड़ित पक्ष। एमपी में विधायकों को दिया गया टैबलेट, कमलनाथ ने लेने से किया इनकार। हिमाचल के कांग्रेस मुख्यालय में सीएम और मंत्री सुनेंगे लोगों की समस्याएं, सीएम सुखविंदर सिंह ने की शुरुआत। पंजाब के शिक्षकों का बैच सिंगापुर के लिए रवाना, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं शिक्षक। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं, कहा पारदर्शी शिक्षक भर्ती, चयनित हुए हैं अध्यापक। समस्तीपुर पुलिस ने एक सिंगर को किया गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने दिवंगत एमएलसी को दी श्रद्धांजलि, एमएलसी बाचुला का हुआ था निधन। गुजरात के नवसारी में रिहायशी इलाकों में तेंदुआ देखने से हड़कंप, ग्रामीणों ने भगाया। अमृतसर में पुरानी रंजिश में फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, राह चलते लोगों से करते थे लूटपाट। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में घर में घुसकर युवती का अपहरण, मुस्लिम युवक पर किडनैपिंग का आरोप। हिंदू लड़की की किडनैपिंग पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी के प्रतापगढ़ में जुए के विवाद में फायरिंग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बलिया के सरकारी अस्पताल में नहीं है एक्सरे टेक्नीशियन, होमगार्ड का हुआ वीडियो वायरल। होमगार्ड कर रहा था मरीज का एक्सरे, जिला अस्पताल का बताया जा रहा है वीडियो। बिहार के सीतामढ़ी में शादी के दौरान बिगड़ी दूल्हे की तबियत, अस्पताल में हुई मौत। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ का वीडियो वायरल, दीवार पर बैठकर फोटो खिंचवाता दिखा टाइगर। उदयपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, लग्जरी रिजॉर्ट जमीन दोज। राजस्थान के करौली में बिजली कर्मियों का डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर किया हंगामा।
अलीगढ़ में ई रिक्शा चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, नगर निगम कर्मियों की अवैध वसूली की शिकायत। हरदोई में मारपीट मामले को लेकर बैंक कर्मियों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। डीयू और कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन, ई टेंडर सिस्टम के कर्मचारियों की भर्ती का जबरदस्त विरोध, स्टाफ को नियमित करने की मांग। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, रुद्रप्रयाग में डीडीआरएफ के जवानों को दी गई ट्रेनिंग। नोएडा में ड्राई क्लीनिंग की दुकान में लगी भीषण आग, मालिक समेत 2 गंभीर रूप से जख्मी। वाराणसी में नकली दवाई की सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार, 7.5 करोड़ की नकली दवा जब्त। सहरसा में पंचायत के बेहतर विकास को लेकर डीएम ने की बैठक, पंचायत के मुखिया सहित आला अधिकारी हुए शामिल। करनाल जिला सचिवालय में बनी दिशा केंद्र में बड़ी चोरी, लाखों रुपए कैश से भरी तिजोरी से लगभग 25 लाख रुपए ले गए चोर। चेन्नई में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ में कांग्रेसी नेता की हत्याकांड का हुआ खुलासा, हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में G20 समिट की तैयारियां पूरी, 40 देशों के डेलीगेट की शामिल होने की संभावना। बिहार के बेगूसराय में सरकारी शिक्षकों का डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, वेतन में कटौती को लेकर दिया धरना। राजस्थान के चुरू में वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी, एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ की मांग की। SBS बायोटेक ने अजय देवगन को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर, SBS बायोटेक के उत्पाद डॉक्टर ऑर्थो का करेंगे प्रचार। नांदेड़ में डीएम ने कृषि महोत्सव का किया शुभारंभ, सहायता समूह की महिलाओं और किसानों ने लगाए स्टॉल, 5 मार्च तक चलेगा महोत्सव। जालौन में दिखी एक अनोखी शादी, दुल्हन का हुआ स्वयंवर, दूल्हे ने धनुष तोड़कर लड़की को पहनाई वरमाला। झालावाड़ के जलेश्वर महादेव मंदिर पर मनाया गया फाग महोत्सव, रुद्रसेना की महिलाओं ने किया आयोजन। मुंबई के लग्जरी घरों की कीमतों में वैश्विक सूची में बढ़ी रैंक, 92 से सुधरकर 37वें स्थान पर। सुपौल में प्रेमिका के घर में प्रेमी की हत्या, प्रेमिका के घर वालों ने बुलाकर उतारा मौत के घाट। आगरा में सिलबट्टे से मां की हत्या कर बेटा फरार, बहन को वीडियो भेजकर कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। सिरोही के जिला अस्पताल में कुत्तों के हमले में नवजात की मौत का मामला, जांच में आधा दर्जन अधिकारी और कर्मचारियों पर गिरी गाज। वाराणसी में घर से लापता 11 साल की नाबालिका, संदिग्ध हालत में खंडहर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में युवक ने किया अपनी संस्था में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, पीड़िता को शादी का झांसा देकर दिया घटना को अंजाम। सहारनपुर में बदमाश युवक को मारी गोली, घायल युवक के मकान का किरायेदार है आरोपी। धमतरी में पत्नी की बेरहमी से हत्या, मर्डर के बाद पति गिरफ्तार। अंबाला में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त, जांच जारी। मंडी में कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट, हादसे में जिंदा जले 2 युवक, 1 घायल। रजौरी में पलटी मिनी बस, हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 घायल। गढ़वा में दिखा एसीबी का एक्शन, टीम ने 25,000 रुपए लेते मुखिया और उसके पति को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में अचानक आग लगने से कई घर पूरी तरह से खाक, आग से कोई जनहानि नहीं, 1 जानवर के जलकर हुई मौत। अमृतसर में एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने की रेड, हुक्का बरामद, रेस्टोरेंट के मालिक पर मामला दर्ज। जमशेदपुर से सटे जंगल में महुआ चुनने वालों ने लगाई आग, तेज आग से सड़क पर जाने वालों को हो रही है तकलीफ। बागपत में होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, 30 से ज्यादा गाड़ियों को पकड़ा, बड़ी मात्रा में नकली मावा बरामद। सहरसा में आबकारी विभाग ने 9 शराब कारोबारी सहित 14 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। अंबाला में गैर कानूनी तरीके से शराब की सप्लाई करने वाले होटल सील कैंटोनमेंट बोर्ड के नियमों की हो रहा है उल्लंघन। गुरुग्राम में विदेशी युवक कॉल सेंटर चलाकर कर रहे थे करोड़ों की ठगी, 2 विदेशी युवक और अन्य युवक युवती गिरफ्तार। विकासनगर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने जारी किया अपना नंबर, खनन माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। कानपुर में पुलिसकर्मी ने की तेजस ट्रेन में विदेशी महिला से छेड़छाड़, रेलवे का सिपाही गिरफ्तार। करनाल जिला सचिवालय में बनी दिशा केंद्र में बड़ी चोरी, तिजोरी से चोर ले उड़े 25 लाख कैश। सोनीपत में ट्रांसफॉर्मर से टकराई तेज रफ्तार कार, गाड़ी में लगी भीषण आग, हादसे में जिंदा जला ड्राइवर। मेरठ में एक बार फिर सुरंग बनाकर सराफा दुकान में चोरों ने किया घुसने का प्रयास, व्यापारियों में गुस्सा। मिर्जापुर में छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर यूपी में सप्लाई करने वाले तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 47 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार।
समस्तीपुर में मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद हैदर को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। 7 बड़ी लूट की घटना को दे चुका था अंजाम। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। भारत ने दिया था 76 रन का लक्ष्य। भारत की दूसरी पारी महज 163 रन पर सिमटी। सिर्फ 33.2 ओवर खेल पाई टीम इंडिया। दूसरी पारी में भारत की ओर से पुजारा ने बनाए सर्वाधिक 59 रन। श्रेयस अय्यर ने बनाए 26 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नेथन लियोन ने की शानदार गेंदबाजी। दूसरी पारी में झटके 8 विकेट। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 197 रन पर आउट। भारत की ओर से जडेजा ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट झटके। उमेश यादव के खाते में 3 बल्लेबाज।